मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज एक नया दिन और आज हम जा रहे हैं वाटफोर्ड के इस्कॉन टेम्पल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि परसों जन्माष्टमी थी, तो जन्माष्टमी के दिन तो हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि घर में भी पूजा रहती है, सब रहता है। तो आज है संडे और आज भी वहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट है जन्माष्टमी को ही कंटिन्यू करते हुए। तो अभी हम लोग ट्रेन में हैं और वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो वहाँ पहुँचना भी एक स्ट्रगल है क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ से वाटफोर्ड थोड़ा दूर है, ट्रेन कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। बट चलो हम जा रहे हैं और अब वहाँ पहुँचते हैं, कैसा होता है, क्या क्या वहाँ फंक्शन है, ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। गाइस, हम थोड़ा लेट हो गए आज और जितने बजे का हमने वहाँ पे बुक किया था, हाँ तो जितने बजे का हम लोगों ने टिकट बुक किया था जन्माष्टमी का, जो स्लॉट वहाँ एक्चुअली फ्री टिकट थे, स्लॉट था बुक करने के लिए, हमने बुक किया था, तो उस हिसाब से हम लेट चल रहे हैं अभी। हमें लगता नहीं हम टाइम पे पहुँच पाएंगे, लेकिन होपफुली वहाँ पे हमें एंट्री मिल जाए। तो अभी हम भाग रहे हैं अपनी दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए। आधा घंटा ऊपर नीचे वाला कर दें, आधा घंटा। हाँ तो अगर आप आ रहा, ओके, उनकी वेबसाइट पे लिखा है कि आधा घंटा ऊपर नीचे शायद वो अलाउ करते हैं, तो आई होप विल रीच इन टाइम। अभी गाइस सीन ये है कि हम लोग रेलवे स्टेशन पे उतरे हैं और यहाँ पे हम लोगों ने, जब हम ट्रेन में थे, हमने इंक्वायर किया था कि यहाँ से कैब अवेलेबल है, तो वो अवेलेबल थी, पर अभी जब हम उतरे यहाँ पे तो कोई कैब अवेलेबल नहीं। तो अब ट्राई कर रहे हैं हम लोग कि कोई ना कोई हमें यहाँ से कैब मिल जाए या कुछ मिल जाए जिससे हम भगवान के दर्शन इतनी आसानी से ना होते। हाँ, भगवान के दर्शन आसानी से नहीं होते और देखिए अभी सब्र का फल मीठा होता है। हाँ। तो हम सब्र रख के बैठे हैं, आई होप हमें कोई कैब मिल जाएगी। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं टेंपल के अंदर, दो दो ट्रेन चेंज करके एक टैक्सी लेकर, और अच्छा लग रहा है यार, भगवान के मंदिर आना भी ऐसे चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ हम आए हैं और हमारे 2 बजे के टिकट थे तो हमें अलाउ भी कर दिया उन्होंने, कहा दैट्स फाइन। तो चलो जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं कृष्णा के। यहाँ पे गौशाला भी है, आप देखेंगे यहाँ गौशाला है जिसमें हम बाद में आएंगे गाय माता को चारा डालने के लिए। जा रहे हैं अंदर दर्शन के लिए, फाइनली हम लोग टेम्पल के अंदर जा रहे हैं। अभी बाहर हमने देखा बहुत सारी स्टॉल्स वगैरह हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है। अब फाइनली देखिए, आप दिखाओ यहाँ पर कितना झांकी आया अलग। तो काफी लंबी लाइन है यार आगे, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग दर्शन करके बाहर निकले हैं, अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी इसलिए हम लोग अंदर का आपको नहीं दिखा सकते मंदिर, पर बहुत ब्यूटीफुल मंदिर है और बहुत अच्छा है। इन लोगों ने जन्माष्टमी का श्रृंगार किया है भगवान का, बहुत अच्छा है। तो अभी आगे चलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।
हम लोग यहाँ पर आ गए हैं जो यहाँ पर फंक्शन चल रहा है। तो अभी हम लोगों ने वहाँ पर जाकर राधा कृष्ण के साथ फोटो खिंचवाई है। बड़ा अच्छा वृंदावन उन्होंने बनाया है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और बच्चों की बहुत एक्टिविटीज चल रही है। अभी आरुष और उसके फ्रेंड्स ने बाउंसी कैंसिल किया है। यहाँ वो लोग कुछ पेंडेंट पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं, कृष्णा का ही पेंडेंट है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत मज़ा आ रहा है। हर तरफ राधे कृष्ण हरे कृष्ण है, बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही है। तो वी आर हैविंग अ फन टाइम। और ये बहुत टेस्टी है। प्रसाद हमने खाया, प्रसाद बहुत टेस्टी था। मंदिर के दर्शन हमें हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुकून लगा वहाँ पर। सिंस आज इतना बड़ा इवेंट है तो जल्दी जल्दी वो लोग कर रहे थे, बट उसके दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बहुत अच्छा लगा। Oh my goodness, okay, I can't put both wings out, but you guys can. I'm gonna hold this mic up. Oh, thank you. Wait. ये बताओ ये प्रसादम में क्या क्या है? प्रसादम लिया है अभी हमने, है गाजर, सॉरी एप्पल का पिकल है, और पुलाव है, और आलू सब्जी है, और फिर स्वीट हलवा है। हलवा है, कैसा टेस्ट? बढ़िया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। प्रसादम बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी है। Oh goodness! Do not go in there. तो अभी हम लोग जुमानजी से बाहर आए हैं। एस्केप रूम टाइप का इन लोगों ने बनाया है गीता के ऊपर, और बहुत ही अच्छा था, बहुत मजा आया। बच्चों को बहुत सीखने को मिला, हम लोगों को भी सीखने को मिला। भैया हम लोग कुछ खाने के लिए आए हैं, बहुत बढ़िया खाना यहाँ बन रहा है। अलग अलग ऑप्शन है यहाँ, आपको बर्गर लेना है, पनीर डिशेज है, चाट्स वगैरह है, भजिया का स्टॉल है, साउथ इंडियन डिशेस, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा और चाय पानी। दोस्तों ये है गौशाला यानी यहाँ पर डालेंगे चारा, डालेंगे गाय को। आ जाओ, कैसा लगा आपको? बहुत टाइम बाद आई थिंक जाके डालते थे, और आज बड़ा अच्छा लगा गाय माता को चारा डालकर उनको फीड करके, बड़ा अच्छा लगा। तो एक बड़े सुकून की अनुभूति होती है, खासकर जब आप भारत से बाहर हो तो इस तरह की चीजें बड़ी अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स अब हम ले रहे हैं एग्जिट। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।